इसको बोलते हैं डाटा सीट, और ये जो डाटा सीट आपको मिलेगी ये सिर्फ आपको प्रग्माफिक्स दे रहा है। तो अगर आपको कहीं भी फ्री में एक महीने के लिए भी मिलता है तो ले लो, अगर उसके बाद, क्योंकि अगर आपको परचेस करना है तो भाई कर लो, क्योंकि याद देखो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है और जीआर बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बता रहे हैं। मैं कहूँ केवल वर्ड में अभी एक ही सॉफ्टवेयर है जो लाइनों के जीआर भी बताता है, और वो है प्रग्माफिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे मैंने एलसीडी पर, डिस्प्ले एलसीडी पर टच किया, अब देखिए ये मेरा डिस्प्ले एलसीडी खुल गया। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर एक मल्टीमीटर भी शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये आपको पावर लगा हुआ है, एक आपका सब पावर लगा है, पीएमआई लगा है, यहाँ पर आपको सीपीयू और आपको यहाँ पर एमएमसी देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अगर मैं आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ई बुक, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो, आपको फोन डाटा सीट, आपको स्कीमेटिक, बिटमैप, रिपेयर गाइड, कंप्यूटर के स्कीमेटिक और कंप्यूटर के बिटमैप, ये सारी चीज मिल जाएंगी। अब सबसे पहले मैं बात सुनते हैं यहाँ पर सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। और इस वीडियो को अगर वाकई में अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रग्माफिक्स। आप देख सकते हैं ये है प्रग्माफिक्स। प्रग्माफिक्स एक इंडोनेशिया का में बनाए गए, एक जो क्रिएटर है मिस्टर योंगी फलास, उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में काफ़ी हद तक अब नाम, बड़ा नाम कर चुका है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बड़े बड़े बाहर के देशों में भी प्रग्माफिक्स को यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ, आप देखिए प्रग्माफिक्स का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं प्रग्माफिक्स को, या प्रग्माफिक्स की फ्री आईडी चाहते हैं एक मंथ के लिए जो भी है, तो मैं नीचे एक नंबर दे देता हूँ, आप उन पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके सेलर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, सबका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको लॉगिन कर चुके हैं या आप इसके पास आईडी है, तो आप इसके बाद में, आपने यहाँ पर देखा होगा कि जैसे आपने रजिस्टर्ड किया होगा, अगर आप इसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपके पास आईडी होगी, और आपने रजिस्टर करने के बाद आपने देखा होगा कि जब आप इसको ओपन करते होंगे तो आपको सबसे पहले आपको इसका लॉगिन आईडी आपको दिखाई देता है, उसके साथ में आपको अपना पासवर्ड दिखाई देता है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों प्रग्माफिक्स लॉगिंग हो जाने के बाद आपको सबसे पहले इंटरफेस देता है यहाँ पर अपडेट मोबाइल के, जैसे कि मैंने बताया। और भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अपने इंटरफेस पे हमेशा अपडेट पहला डालते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इन्होंने कल का अपडेट डाला है। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल सैमसंग A71 के ऑडियो को अलग अलग, इन्हें सेलुलर नेटवर्क है तो अलग अलग इन्होंने यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश की है। प्रग्माफिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पर इनके कुछ सोशल, आपको मीडिया के लिंकें मिल जाएंगी जिससे आप इनसे बात कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मार्ट व्यू इसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया भर में। अगर आप मार्ट व्यू से कॉन्टेक्ट करेंगे तो भी आपको प्रग्माफिक्स मिल जाएगा। सो फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया साइट, जैसे कि मैंने बताया, आप इनको क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जाके इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, इनसे परचेस कर सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ई बुक, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो, आपको फोन डाटा सीट, आपको स्कीमेटिक, बिटमैप, रिपेयर गाइड, कंप्यूटर के स्कीमेटिक और कंप्यूटर के बिटमैप, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो एक मोबाइल रिपेयरिंग में एक टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर फ़ोन के स्कीमेटिक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अलग बहुत सारे स्कीमेटिक यहाँ पर डले हुए हैं। सो जैसे कि मैं कोई से भी एक स्कीमेटिक यहाँ पर ओपन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं A3 का स्कीमेटिक यहाँ पर ओपन करता हूँ, मैंने इसको डबल टिक किया, देखिए। और इसको स्कीमेटिक ओपन करने के बाद जब ये ओपन होगा तो ये आपसे पूछेगा कि आपको लेआउट खोलना है कि स्कीमेटिक खोलना है। दोस्तों इसमें सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि जब भी आप लेआउट खोलते हैं, स्कीमेटिक तो खुलता दोनों ही हैं, तो फ़ायदा हमें दोनों में मिल जाता है। जैसे मैं लेआउट में टिक करता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैं लेआउट में टिक करूँगा तो इसका लेआउट ओपन होगा। और ये दोस्तों ये आपके इंटरनेट पे भी काफ़ी निर्भर करता है कि इसके खुलने की स्पीड, और आपके कंप्यूटर के OS पे भी निर्भर करता है, बेसिकली आपके कॉन्फ़िगरेशन पे निर्भर करता है। सो अगर मैं बात करूँ, मैं इसको एक बार और टच कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए। तो ये छोटे छोटे से बक्स हैं जो प्रग्माफिक्स समय समय पर इसको दूर करेगा। आप देखिए कि यहाँ पर दो तरह के आपको विंडोज़ दिखाई दे रही हैं, एक आपको लेआउट दिखाई दे रहा है मोबाइल का और एक उसका स्कीमेटिक। तो ये दोनों ही है हमारे को इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग में हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें मोबाइल रिपेयरिंग में, जब तक हमें इनका नॉलेज नहीं होगा तब तक हम मोबाइल पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जाऊँ और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे जैसे कि एक 4G PFO देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पावर देखने को मिल रही है, यहाँ एक लाइट सेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है, एक AMOLED सेक्शंस लगा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सो ये आपको पावर लगा हुआ है, एक आपका सब पावर लगा है, PMI लगा है, यहाँ पर आपको CPU और आपको यहाँ पर MMC देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैं फ़िलहाल इस IC के अंदर अगर टिक करूँगा तो मुझे इस IC का यहाँ पर आपको डायग्राम मिल जाएगा, जिससे मैं इस IC के बारे में हर चीज़ का नॉलेज आपको बता सकता हूँ। अब जैसे इस IC का जो नंबर है वो है U17, तो मैं यहाँ पर इस IC का नंबर नोट करूँगा U1701, तो मैं यहाँ लिखूँगा U1701। सो देखिए मैंने वहाँ पर IC का नंबर लिखा है, और नंबर लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा ताकि मुझे यहाँ पर एरोस दिख जाएं, और एरो दिखने के बाद जब मैं इसको टिक करूँगा तो आप देखिए कि यहाँ पर मुझे ये IC मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कीपैड, ये MSM IO की लाइन, PS होल्ड फॉल्ट एंड जो बेसिकली ये IC देती है आपके मेन पावर को, और उसके बाद SPMI, ये आपके सीरियल, ये जिसको हम सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस बोलते हैं जो हमारे CPU से आता है, और ऑप्शन ये हमारी पावर कॉन्फ़िगरेशन सी लाइन है जैसे कि देखा होगा आपने, और अगर ये एक जो रजिस्टर्स होता है, ये रजिस्टर निकल जाने पर बेसिकली हमारा फ़ोन ऑन होना बंद हो जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम ओके की लाइन है यहाँ पर, और एनालॉग वोल्टेज ड्रेन ड्रेन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं और इसमें क्या आप बेनिफिट उठा सकते हैं, फ़ोन डाटा फ़ोन स्कीमेटिक के अलावा आप फ़ोन बिटमैप पे जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं वीवो में जाता हूँ, क्योंकि जनरली वीवो के डायग्राम्स मार्केट में नहीं होते हैं। अब जैसे मेरे पास वीवो का आया फ़ोन S1 और मैंने इसको डबल टिक किया तो मुझे यहाँ पर उसका बिटमैप मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटमैप मिल गया है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके बहुत आसानी से इस बिटमैप में ये देख सकता हूँ, ये देखिए जूम करके कि मेरे कौन सी लाइन कहाँ पर कनेक्ट हो रही है। सो ये क्या करता है, जो भी लाइन कनेक्ट करता है ये उस लाइन को ब्लिंक कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए ये लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है, अब इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, तो मैं IC को थोड़ा सा अगर इसको ये करूँ, ये देखिए ये इसके बाद ये लाइन यहाँ पर CPU में जा रही है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर टिक किया तो ये CPU में चली गई। CPU में भी अगर मैं यहाँ पर जूम करूँगा, आप देखिए काफ़ी स्मूथ चलता है दोस्तों ये, तो आप इस पैड पे CPU के अगर ये लाइन पे अगर बाहर GR ना मिले तो इस पैड से आप जंपर भी ले सकते हैं या CPU रिबॉल कर सकते हैं, आपको जो भी नॉलेज है आप वो ये इसमें कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज के हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर डायोड मोड देखने को मिलता है, तो कुछ पैडों पर यहाँ पर डायोड मोड भी डाला गया है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर्स ऐड किए हुए हैं बहुत सारे। अब मैं बात करता हूँ इस बिटमैप के अलावा और आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इस बिटमैप के अलावा आपको मिलेगा रिपेयर गाइड, और रिपेयर गाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, जिसको एक जो नॉलेज नहीं है जिस टेक्नीशियन को, वो टेक्नीशियन भी काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीवो के V20 की बात करूँगा, सो वीवो के V20 में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि क्या मुझे रिपेयर गाइड देखने को मिलेगा। बहुत सारे मोबाइल यहाँ पर दिए हुए हैं, और देखिए सर्किट ट्रेसिंग यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको PDF ओपन हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा बोर्नियो जब भी हम खोलते हैं वहाँ PDF मिलते हैं, पर यहाँ देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ, मैं एक डिस्प्ले LCD की लाइन पर टच करता हूँ, और इसकी लाइन पर टच करके फिर देखता हूँ कि क्या मेरी चीज़ ओपन होती है। और दोस्तों प्रग्मा फिक्स ने काफ़ी चीज़ यूनिक की हुई है, और उसने अपने आपको काफ़ी अलग प्रेजेंटेशन दिया है, आप तो उसने अपना प्रेजेंटेशन या अपने आपको काफ़ी अलग प्रेजेंट किया है इस मार्केट में। जैसे कि बाकी अलग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं जो लाइनों को दिखाना कर रहे हैं, और जो लाइनों को स्पेशली तरीके से उसके कुछ सप्लाई नाम या उसके वोल्टेज या GR बता रहे हैं, उसके वोल्टेज बता रहे हैं, पर GR बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बता रहे हैं, और मैं कहूँ केवल वर्ड में अभी एक ही सॉफ्टवेयर है जो लाइनों के GR भी बताता है, और वो है प्रग्मा फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे मैंने LCD पर डिस्प्ले LCD पर टच किया, अब देखिए ये मेरा डिस्प्ले LCD खुल गया। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर एक मल्टीमीटर भी शो होगा, इस मल्टीमीटर को आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस मल्टीमीटर की रीडिंग देखनी है, हालाँकि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है,
अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सारे डिस्प्ले की लाइन मिल गई है। अब जैसे मान लीजिए मिपी की लाइन की बात करेंगे, जिसको हम मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस या फिर हम बात करें एक ऐसा प्रोटोकॉल बोलते हैं जो ग्राफिक्स डाटा का आदान प्रदान करता है, और इस प्रोटोकॉल पर अगर हम बात करेंगे तो ये लाइन यहाँ से आ रही है और ये इस पर मिलने वाले जो GR है 345 है। वैसे ही CPU से आने वाले हमारे TE की लाइन, उस पर GR 450 है। रिसेट की लाइन, उस पर आने वाले GR। अब हम यहाँ से इस मल्टीमीटर को बदल सकते हैं, और जैसे मैं सनशाइन कर लेता हूँ, अब सनशाइन पे आप देखिए इसका GR इस तरह से आपको दिखता रहेगा। यहाँ पर देखिए तो जनरली मिपी की लाइनों का GR सेम होता है, तो ये आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी अद्भुत बात है जो कि मुझे प्रगमाफिक्स में लगती है। और अगर आपको दोस्तों बहुत अच्छा नॉलेज है और अगर आपको जानकारी है तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर डाटा सीट दिया हुआ है, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कॉलकॉम की डाटा सीट को मैं ओपन करूँगा, जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं PM8952 का डाटा सीट को ओपन करूँगा। अब PM8952 का ये मेन पावर मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपको आपके बक कन्वर्टर और LDO कन्वर्टर, जो बेसिकली देखा जाता है SMPS की लाइन, आप देख सकते हैं। तो इस IC को खोलूँगा तो एक PDF शो होगा, और ये आपका बेसिकली टेक्निकल एक ब्रीफ स्पेसिफिकेशन है। जिसको हम बात करें तो ये कंपनी डिज़ाइन करती है, ये किसी बाहर के टेक्नीशियन के द्वारा डिज़ाइन नहीं किया जाता, तो ये इसलिए यहाँ पे PDF में डाला गया है। अब इसमें मेन चीज़ जो देखने लायक है दोस्तों, अगर मैं मेन चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ ये देखिए, तो ये आपको है, ये इसको बोलते हैं डाटा सीट, और ये जो डाटा सीट आपको मिलेगी ये सिर्फ आपको प्रगमाफिक्स दे रहा है। तो अगर आपको कहीं भी फ्री में एक महीने के लिए भी मिलता है तो ले लो, अगर उसके बाद, क्योंकि अगर आपको परचेस करना है तो भाई कर लो, क्योंकि याद देखो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, और इसमें जितना आप अपने आप को जितना आप पैसा लगाओ या जितना आप पैसा लगा के नॉलेज ले सकते हो उतना सही है, क्योंकि फ्री में देखो जो भी नॉलेज मिलता है हम देखते हैं कि हम उससे काम तो कर लेते हैं और अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं, पर बात प्रोफेशनल की आती है तो प्रोफेशनल में आपको बिज़नेस में पैसा लगाना पड़ता है, और काफ़ी हद तक आप जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि आप किसी वीडियो का इंतज़ार में आप अपना आप पूरा साल या आधा साल तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ जाएगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको डाटा सीट दिखाई दे रही है। अब इस डाटा सीट को अगर मैं यहाँ पर बताऊँ और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर दूँ, तो मैं डाटा सीट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कुछ कुछ पॉइंट, मैं अभी पूरी पॉइंट तो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो प्रगमाफिक्स के लिए है, तो कुछ कुछ पॉइंट मैं इसके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, जैसे इसमें बहुत सारी हैं, चार्जिंग की सप्लाई भी इसमें, क्योंकि एक मेन पावर IC है, आपने देखा कि बड़ी ये चार्जिंग IC नहीं है, बट इसमें चार्जिंग की भी आप देखें, जैसे चार्जिंग आउट ये भी दिया हुआ है, चार्जिंग EN दिख रहा है आपको, पावर गुड, ये सिस्टम, जैसे कि सिस्टम OK की लाइन है, 1.8 वोल्टेज ये आपको देती है, उसके बाद ये BPH लाइन है, ये चार्जिंग है, ये कीपैड की पावर लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये थर्म की लाइन है, और ये बैट ID की लाइन है। इसके साथ भी आप बहुत सारी लाइन ऐसे देखेंगे, चार्जिंग LED है, USB सेंस है, सिस्टम ऑन की लाइन है, फ्लैश LED की लाइन है, ये RSing, ये पावर से है, और ये PS होल्ड। दोस्तों ये PM8952 का एक डाटा सीट है, और इस डाटा सीट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो एक टीचर या एक टेक्निकल गुरु का यही होता है कि वो अंदर से फ़ोन बनाए, मतलब मिड लेयर पे काम करे, और वो हमारे मोबाइल में लगे हुए कॉम्पोनेंट पे नहीं लगे काम करें, अगर वो निकल जाए उधर जाए तो आप मॉडिफिकेशन कर सकें। आप समझें कि जब अगर इसका लाइन ग्राउंड नहीं होता है तो हम इस लाइन को ग्राउंड कर देते हैं, वैसे ही अगर आप समझें कि इस लाइन पे अगर कोई कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है तो क्या हम उस कंपोनेंट को बाहर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो ये मॉडिफिकेशन भी एक टीचर को करते आना चाहिए। तो और देखें, और अगर इसमें देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएंगे, और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए इंडोनेशिया इंग्लिश, कुछ इंग्लिश में आपको ट्रेनिंग वीडियो भी मिल जाएंगे, तो ये ट्रेनिंग वीडियो आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ टाइम पहले जो सब भारत में सबसे पहले ही, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आया था, तो उसमें मेरे भी कुछ वीडियो डले हुए थे, अपलोड हुए थे, पर कुछ कारणों की वजह से वो वीडियो हटाने पड़े, क्योंकि इंडिया में दोस्तों यही चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, कि कोई भी एक दूसरे को
अपना कॉम्पिटिटर मानता है, कभी भी ये नहीं सोचता है कि टीम की तरह है या साथ चलने का किसी का भी मन नहीं करता है। और यही रीज़न था कि बहुत सारे लोगों के कहने पर जो इनके ऑनर हैं उन्होंने हमारे वीडियो हटाए, क्योंकि उनको फिर दूसरों को बेच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट ठीक है, ये चीज़ मैंने बाहर नहीं देखी है, मैंने हमेशा ये चीज़ इंडिया में देखता हूँ। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के लोगों से, टेक्नीशियन से, कि आपस में कॉम्पिटिशन बनाने से अच्छा दोस्त बनाइए, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो डाटा सीट मिल जाएगा, रिपेयर मिल जाएगा, बिटमैप मिल जाएगा, ई बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा है ये वीडियो आप मुझे बताएगा जरूर, और इस वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली है तो प्रगमा फिक्स अच्छा लगा तो परचेज ज़रूर कर लेना, मैं नंबर नीचे दे दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको वाकई में वीडियो में लगा कि मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और अगर आपको इस तरह का नॉलेज पाना है तो आप एसर डेली को मार सकते हैं और हमारे को नीचे दिए नंबर पर कॉल करके अपने इस मंथ की सीट को बुक करा सकते हैं। आपका पैसे की गारंटी मैं लूँगा, आपके भरोसे की गारंटी मैं लूँगा। और दोस्तों ये हमारी जो कोर्स होगा ये पूरा फुल गारंटी कोर्स होगा, जिसमें आपको अगर समझ में नहीं आएगा चार दिन पाँच दिन तक भी समझ में नहीं आता है तो आप पूरे पैसे ले जा अपने वापस ले जा सकते हैं, बड़े सम्मान के साथ में आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। पर आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई स्टूडेंट गया है। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे के लिए है, कि आपको भी भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा भी पैसा एक सिक्योर है, कि अगर चार दिन में मुझे लगा कि वो वैसा नहीं है जैसे YouTube में दिखाते हैं तो भाई मैं वापस आ सकता हूँ। तो प्लीज़ एक बार एसर टेलीकॉम में जरूर आइए, क्योंकि इंडिया में एसर टेलीकॉम एक ब्रांड है। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? वाई वन है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।